आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। नंबर 18 है हमारा, इफ ₹40,000 अमाउंट टू ₹48,620.25 इन 2 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ एयरली, हाफ एयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। प्रिंसिपल क्या है 40,000, अमाउंट क्या है 48,620.25, टाइम क्या है 2 ईयर्स है हाफ एयरली। अब हाफ एयरली में जो है वो हमें रेट निकालना है यहां पर, ठीक है ना। और ये हाफ एयरली है, हाफ एयरली का मतलब 2 साल में कितने टर्म हो गए, 4, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ एयरली होते हैं, तो 2 साल में 4 हो गए, तो एन की पावर 4 हो गई, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू दी पावर एन। अमाउंट की जगह पर रख देते हैं 48620.25 इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पर 40,000, 1 + R की जगह पर R/100 टू दी पावर 4, क्योंकि n का जो है वो n की पावर यहां पे वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो 4 हो रहे हैं हाफ एयरली के हिसाब से। अगली लाइन में 48620.25/40,000 कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज करके नीचे ले आते हैं, बचता है 1 + R/100 टू दी पावर 4। अब यहां से जो है वो 2 डेसिमल हटा के यहां 2 जीरो बढ़ा देते हैं, अभी हमारे पास हो जाता है 48620.25/40,00,000, यानी 48,62,025/40,00,000, ठीक है ना। अब हम इसे रिड्यूस करते हैं, तो जब इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 0 है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में 5 से कटेंगे जरूर। हम इनको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 194481/16 के आगे 4 जीरो, मतलब हम जब 5 से और तो मतलब 5 से रिड्यूस करते चले जाएंगे, तो रिड्यूस करेंगे जब आप, तो रिड्यूस के बाद आ जाएगा ये 194481/16 के आगे 4 जीरो, और इसके आगे ये अब और कटेंगे नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू 1 + R/100 टू दी पावर 4। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 194481 का, तो उसमें जो बन के आएगी कहानी वो ये बन के आएगी कि ये तो हो जाएगा 21 के पावर 4, और ये आ जाएगी जो है वो 20 की पावर 4। 21 को 21 21 21 21 करके 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 20 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 20 into 20, तो ये आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो है वो हम इसको ऐसे निकालने के बाद ऊपर 4 लगा सकते हैं पावर, और यहां पर 1 + R/100 की पावर 4 पहले से ही चली चली आ रही है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहां पे 21, हमारे पास बचेगा यहां कर देता हूं 21/20 इक्वल टू 1 + R/100, ये 1 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 21/20 - 1 = R/100/1 करके एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, 21 - 20 = R/100, यहां आ जाएगा 1/20 = R/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 20 × R/20 = R/100, और R = 100/20, 0 से 0 2 5 10, तो 5% जो है वो रेट निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 5% निकल के आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।